सर बताइए, ये जो गैंग आप लोगों ने पकड़े हैं, उस गैंग को कहा जाता है कि मुंबई के टॉप वांटेड गैंग में से एक गैंग को आज बीपी रोड को पकड़ने में कामयाबी मिली, इसके बारे में? हाँ बराबर है, हमें हमारे जो सिपाही है शब्बीर शेख, उन्होंने उन्होंने उनको एक बात में मिली थी कि एक चार पाँच छः लोग दरोड़ा डालने के लिए बोलेश्वर में आने वाले हैं, तो इसलिए हमने ट्रैप लगाया। हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर संजय कांबड़े हैं, सुरवे PSI सुरवे, API मस्के और बाकी डिटेक्शन के स्टाफ, ऐसा ACP पोटे साहब के मार्गदर्शन पे उधर ट्रैप लगाया था। और जब ट्रैप लगाया तब वो एक एक आदमी उधर रेकी करने के लिए पहले आया था, और बाकी चार लोग कार से आए, और कार से आने के बाद उतरने के बाद उसको मिले। वो जो बातमीदार वो था, उन्होंने बोला यही लोग है वो। जब हमारे पुलिस के खातिर हो गई कि वो वही आदमी है करके, तो तुरंत पकड़ा, तो उनके पास हथियार, पिस्टल, वो बाकी हथियार मिले, तो फिर बरामद किए। इसके पहले भी इन लोगों के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, इनके ऊपर बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जगह जगह पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज है। राजा माखंडा करके इनका एक कोई साथी है जो नाइजीरियन अपने आप को बताता है, उस बारे में कितनी सच्चाई है? हाँ बराबर है, वो पहले जेल से फरार हो गया था, अभी तक वो मिला नहीं है, वो उसका साथीदार रहता। ये लोग अपने गुनाह को किस तरीके से अंजाम देते हैं? ये लोग रात पहले दिन रेकी करते हैं दुकान की, या आज तब उनको काम करने का उधर का, और उसके बाद रात को चार से 5:30 के बीच में आते हैं, और वो कटर और पार के जरिए वो शटर खोलते हैं, और एक 10 मिनट के अंदर जाके सब काम करके कार से निकल जाते हैं। इनके ऊपर IPC की कौन सी धारा के तहत काम हुआ, अपने धारा लगी है, और कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है? इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया है, एक आदमी भाग गया है। उसमें IPC 399, 402 और भारतीय हथियार कायदा कलम 30 और 25, और दूसरा है जो मुंबई पुलिस एक्ट 37 135 लगाया है।